कैसे पता करें कि हमारे पितृ भोग नहीं ले रहे हैं, उनकी जगह कोई पिशाच भोग ले रहा है और वो पिशाच हमारी सुख शांति घर की भंग कर देता है, जिसके कारण हमारे घर में बहुत सी कठिनाइयाँ आ जाती है और हमारे पितृदेवता हमें रुष्ट होकर चले जाता है और पिशाच भोग लेना शुरू कर देता है। उसके हमें चार संकेत हैं जिसे पता चलता है कि हमारे घर में पिशाच भोग ले रहा है और वो पिशाच हमें बर्बाद करने की सोच रहा है। नंबर एक, बार बार दिए का बुझ जाना। जब भी अमावस्या के दिन हम दिए को जलाते हैं तो वो दिया बार बार बुझ जाता है, क्योंकि वो पिशाच नहीं चाहता कि हमारा पितृ हमारा भोग लेने आए, क्योंकि वो चाहता है कि वो भोग ले और घर की सुख शांति को भंग करे। इस वजह से दिया बार बार बुझ जाता है। नंबर दो, भोग जलाते समय ज्वाला प्रज्वलित न होना। जब भी हम भोग जलाते हैं तो उसमें ज्वाला प्रज्वलित नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पितृ देवता है वो आने की कोशिश करता है, लेकिन जो पिशाच है वो उसको आने नहीं दे रहा, इसी वजह से भोग नहीं ले पाता। नंबर तीन, कलश का फूट जाना। जब भी हम कलश को भर के रखते हैं तो कलश का अचानक फूट जाना, उसमें पानी बहना, ये पिशाच का बहुत ही प्रमुख कारण है कि पिशाच घर में प्रवेश कर चुका है और वो हर वक्त घर में मौजूद है। नंबर चार, घर में हर वक्त कलेश रहना। हर वक्त कलेश रहना, अगर पिशाच घर में आ गया है तो वो हर वक्त कलेश की उसमें रहेगा, बिना वजह घर में कलेश रहेगी, टेंशन रहेगी, हर वक्त लड़ाई होती रहेगी घर में और तरह तरह का कलेश रहेगा, बिना वजह कलेश आता रहेगा। ये पिशाच नहीं चाहता घर में सुख शांति रहे और वो बुरी आत्मा है, इसी वजह से पूरी तरह वो कलेश के आदि कर देता है, घर वालों को वो बर्बाद कर देता है और अपने पितृ देवता को वहाँ से भगा देता है।